तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं गुरुकुल कालवा, और गुरुकुल कालवा जाने की सारी तैयारी हो चुकी है। नाश्ता भी कर लिया है सुबह का, और सुबह का नाश्ता डाइटफुल होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि आज लंबा सफ़र भी है और सफ़र में चलना पड़ेगा, पैदल भी चलना पड़ता है, तो इसलिए डाइटफुल नाश्ता होना चाहिए सुबह का। और डाइटफुल नाश्ता ही कर लिया है, और मेरी सारी पैकिंग भी हो चुकी है। ये बैग रखा है, वो एक दूसरा स्टैंड रखा है, माइक रखा है, और ये दूसरा बैग रखा है, डायरी रखी है, सब चीज़ रेडी हो चुकी है। बस अभी 5 से 10 मिनट में निकलते हैं। तो मेरे साथ यहाँ से 2 से 3 लड़के और जाएंगे। अभी अभिषेक जी भी आने वाले हैं, और युवराज भाई आ रहा है, आर्यमन भाई आ रहा है, और एक भाई हमें रास्ते से मिलेंगे, और एक भाई आगे पानीपत जाकर मिलेंगे। तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है, अगर लेट करेंगे तो हमारी बस निकल जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करते हैं। तो घर से निकल चुके थे पर काफ़ी लेट हो गए, क्योंकि पीछे एक भाई आ रहा युवराज, उसकी वजह से लेट हो गए, तो भाग भाग कर आना पड़ा। पसीने भी आ रहे हैं, और बस स्टैंड आने वाला है लगभग 1 किलोमीटर और बचा है, बस आने वाला है, पीछे आ रहे हैं वो सारे। सब समय पर आ गए थे, बस एक युवराज भाई लेट कर दिया, उसी वजह से भाग भाग कर आना पड़ा, और पसीने भी आ रहे हैं, धुंध भी काफ़ी हो रखी है, ठंड हो रही है बढ़िया वाली। ये देखो धुंध हो रखी है, ठंड हो रही है, काफ़ी काफ़ी ठंड हो रही है, और कोहरा हो रखा है काफ़ी। अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद धूप निकलती है या ना निकलती है। तो भाग भाग कर आ रहे हैं, क्योंकि जल्दी पहुंचना है, बस का टाइम 5 मिनट पे है, और अभी हमें 1 किलोमीटर तक जाना है, तो भाग भाग कर जा रहे हैं सब। युवराज भाई अभी भी लेट कर रहे, देखो पीछे आ रहा है काफ़ी। स्टैंड पर खड़े हैं यहाँ पर, पहली बस तो निकल गई, अब दूसरी का वेट कर रहे हैं, भाग भाग कर भी आए पर फिर भी वो तो निकल गई, दूसरी बस का वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाए। वो बस तो यहाँ पर मिली नहीं, और हमारा पोपट हो चुका है, बस छूट गई हमारी, हम भाग भाग कर भी आए, हम भाग भाग कर भी आए, उसके बाद भी हमारी बस छूट चुकी है, हमारा पोपट बन गया। देखो भी कितनी देर में आती है, 5-10 मिनट का आने के वाली है, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है, अभी तक तो आई नहीं, देखो कब तक आएगी। 1 से 1.5 घंटा खड़ोने के बाद अब जाकर बस मिली है, और अब बस में बैठे हैं, चारों भाई यही बैठे हैं, और एक भाई हमें आगे मिलेंगे अभी। तो काफ़ी देर बाद बस मिली है, तो अब यहाँ से निकले हैं, अभी सफ़र देखना कैसे होगा, शाम तक ही पहुँचेंगे फिर। तो फिलहाल हम ढाबे पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हमारी बस रुकी हुई है। अब ये मुजफ्फरनगर थोड़ा पहले ही पड़ता है, और जो मुजफ्फरनगर से हो वो भी कमेंट करना, जो या आसपास के मुजफ्फरनगर के, आप सभी को पता होगा ये ढाबा पड़ता है पानीपत वालों का। और बस भी हमारी इधर खड़ी है, अभी इधर बस खड़ी है, और एक बंदा तो हमारा, दो बंदे हमारे बस में बैठे हैं, और हम 3 नीचे आए थे वीडियो बनाने के लिए, तो क्योंकि यहाँ पर 10 से 15 मिनट बस तो रुकनी है। तो अब यहाँ पर जो ढाबे पर बस रुकी थी, बस चलने वाली है, और मौसम भी अभी ठंडा है, धूप तो निकल ही नहीं रही, अभी बादल काफ़ी हो रखा है, ठंडी हवा भी चल रही है, तो बस अभी बस चलने वाली है, बंदा चलकर बैठते हैं। तो काफ़ी समय के बाद पानीपत पहुंच चुके हैं, और पानीपत में हमें नितिन भाई मिला है, बस अब यहाँ से, बस तुरंत ही चलते हैं, लगभग अब बस आने वाली होगी 5 से 10 मिनट में, और तुरंत ही यहाँ से चलते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, 3 बज चुके हैं, और ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर आगे अंधेरा हो जाएगा पहुँचने में, तो बस निकलते हैं तुरंत। हम गुरुकुल कालवा पहुँच चुके थे, और भोजन भी हो गया है, और बैठकर काफ़ी देर बातचीत भी करी, और अभी पी रहे हैं दूध, सबके पास दूध आया हुआ है, तो हम भी दूध ही पी रहे थे। तो अभिषेक जी इधर बैठे हैं, और उधर विकास जी हैं, और इधर नितिन भाई बैठा, नितिन भाई दूध पी रहा है, उधर आर्यमन है, वो युवराज भाई है, वो वीडियो बनाने में अपनी एडिटिंग में लगे हुए अभी। तो आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहा, सफ़र भी काफ़ी बढ़िया रहा, थक तो थोड़ा गए थे, लेकिन मज़ा भी काफ़ी आया। और थोड़ी देर बाद सोने का समय है, इससे पहले भी थोड़ा देखते हैं, इधर उधर घूमते हैं, रात तो हो चुकी है, 8:30 के आसपास बज चुके हैं। एडिटिंग तो सुबह करेंगे, अब तो हो नहीं पाएगी एडिटिंग, सुबह जल्दी उठकर 4 बजे के आसपास सुबह एडिटिंग करेंगे, और कल ही वीडियो आपके सामने आ पाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।